गाइज गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों कल है कोजागोरी लक्ष्मी पूजा, तो इसके लिए तैयारी चल रही है। जैसे आज एक दिन पहले मैं बर्तन सारे जितने भी मुझे पूजा में यूज़ होता है वो सब मैं क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि पूजा के दिन बहुत सारे काम होते हैं और साथ में ये सब नहीं हो पाता है, तो एक दिन पहले ही इसकी सारी तैयारी मुझे करके रखना पड़ता है। और ये सब बर्तन मेरा लक्ष्मी पूजा में ही ज़्यादा यूज़ होता है, और थोड़ा बहुत जो होता है वो जन्माष्टमी के टाइम होता है। और अभी सारे बर्तन जो है मैं पीताम्बरी से क्लीन कर लूँगी। और अभी मेरे सारे बर्तन भी चमक गए हैं, सो इसको मैं अभी एक ड्राई कपड़े से पोंछ के फिर रख दूँगी। और ये सब काम करते करते ना शाम हो गया है, इसके बाद मैं दिया करूँगी और दूसरा जो काम है मेरा वो सब स्टार्ट करूँगी। और पूजा का सारा सामान मैंने निकाल लिया है, अभी नारियल का लड्डू बनाऊंगी। सो नारियल का लड्डू बनाने के लिए कृति यहाँ पे मुझे हेल्प कर रही है। उसने बोला मम्मा आप स्टार्ट मत करना, मैं भी आपको हेल्प करने वाली हूँ, तो वही हम लोग कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं नारियल को ग्रेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए, पहले मैं नीचे बैठ के करती थी, बहुत मुश्किल होता था। सो यहाँ पे मेरा नारियल रेडी है, अभी मैं इसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी ताकि इससे ऑयल निकल जाए और थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाए। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज है कोजागोरी लक्ष्मी पूजा। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनाए रखे, बस माँ से यही बोलना है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के पूजा घर में। आज मैंने जानकी को मना कर दिया था घर को मॉपिंग करने के लिए, मैं खुद ही करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। बर्तन को एक साइड में रखूँगी, उसके बाद घर को मॉपिंग करूँगी और डेकोरेशन करूँगी, आलपोना बनाऊँगी। तो चलिए एक एक करके सारा काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आलपोना देना मेरा कंप्लीट हो गया है, कृति भी नहा के रेडी हो गई है क्योंकि उसने बोला है कि मम्मा मुझे आपको हेल्प करना है। और यहाँ पे सब्जी भी कट हो गया है, कृति और अतन दोनों मिलके किया है। सो अभी कुकिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे।
और अभी भोग के लिए बन रहा है खिचड़ी पत्ता गोभी की सब्जी। तो मैं पहले सारे सब्जी वगैरह जो है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, उसके बाद खिचड़ी में मिक्स करना है। एक्चुअली क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो इसके लिए ना एक साथ नहीं किया जाता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग डिवाइड करके करते हैं। सो यहाँ पे सारे सब्जी वगैरह सारा कुछ कट हो गया है। ये टमाटर की चटनी बनेगी तो इसके लिए टमाटर भी कट कर लिया है, पत्ता गोभी कट कर लिया है, और साथ में ये सारा कुछ कट किया है खिचड़ी के साथ मिक्स करने के लिए। यहाँ पे हम लोग दाल चावल के साथ मसाला पहले अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जो बर्तन है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस के ऊपर डालेंगे और एक एक करके सारी सब्जियाँ मिक्स करेंगे, क्योंकि खिचड़ी में ना सारा सब्जी अगर एकदम से बॉयल हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक एक करके सारा सब्जी मिक्स कर रहे हैं, लास्ट में गोभी मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि गोभी ना थोड़ा कम बॉयल हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे हमारा खिचड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हम लोग पत्ता गोभी के लिए मसाला रेडी कर रहे हैं। सेम मसाला जो हमने खिचड़ी में डाला है वही मसाला हम लोग पत्ता गोभी में भी रेडी कर रहे हैं। I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving. So, भूख तो मेरा बन गया है। अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ क्योंकि अभी पूजा में जाना है, और पूरा काम करने के बाद मैं रेडी होके पूजा में जाती हूँ। और यहाँ पे कृति भी बोल रही है मम्मा मुझे भी ये ट्राई करना है, क्योंकि उसके भी बहुत अच्छा लगता है। कन्याज में वो गई थी ना उस टाइम, उसने लिया था और बोल रही मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। सो यहाँ पे जितना हो सके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और शेयर करने की कोशिश की, और कृति यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प कर रही है। सो जैसे थोड़ा सा डेकोरेशन करना और रेडी होके सारे फ्लावर्स रखना, ये सब कृति ने किया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा का तैयारी करने के लिए, क्योंकि इवनिंग 6 o'clock से मैं पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। और अभी फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी प्रसाद के लिए मैं सूजी और हलवा बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। अभी जस्ट ये रेडी करने के बाद मैं पूजा में जाऊंगी। और सारी तैयारी करने के बाद मैं पूजा में बैठी हूँ, और सबसे पहले हम लोग कलश स्थापन करते हैं। एक्चुअली नियम तो बहुत सारा है, लेकिन मैं जैसे थर्सडे की पूजा करती हूँ ना उसी हिसाब से करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके मैं सीख रही हूँ हर साल, तो मुझे ये सब करना ना बहुत अच्छा लगता है। ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান উমা।
और पूजा के बाद हम लोग कुछ फैमिलीज मिलके साथ में बैठे, बात किए, भोग खाए, बहुत अच्छा लगा। सारा बुक्स पढ़ लेता हूँ। हमारा पूजा भी बहुत अच्छे से हुआ, सब आए थे, प्रसाद खाए और काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। बहुत दिनों के बाद, मतलब 2 साल के बाद ऐसा हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, सब आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज का ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।